एक कौम बनी इसराइल हमेशा आरिफ दानिश्वर और उफा अफराद की सोबत अख्तियार करना सरकार ईसा का कौल है, हमेशा अख्तियार करना, चाहे तुम इस काम के लिए घुटनों के बल चल के जाना पड़े, क्योंकि खुदा मुर्दा दिलों को ऐसे हिकमत के नूर से जिंदा करता है जिस तरह मुर्दा जमीनों को बारिश के कतरों से जिंदा करता है। फरमाया तुम्हारे दिल के जखायर वहां पोशीदा है, वहीं जाहिर होंगे। आगे फरमाते हैं लिहाजा कोशिश करना वो जो जखायर हैं उनको आसमान पर जमा करना, जो जखायर होना रहना कर देना, जमा करना। क्यों? ना आसमान पे जखीरों को दीमक लगती है, यहाँ गौर फरमाइएगा, मैं इसकी तशरीह करता हूँ सिर्फ एक जुमले में, जहाँ ना दीमक लगती है और ना कोई वहां से चोरी कर सकता है। ये जनाब ईसा दरअसल फरमाना चाह रहे थे सवाब और गुनाह के लिए काम ना करना, डायरेक्ट उसके लिए काम करना, वहीं पे जमा होते जाओ। आगे फरमाते हैं ऐसे लोगों के साथ ना बैठना जो दुनिया के आशिक हो, जो दुनिया के आशिक हो ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, क्यों? वो तुम्हें भी दुनिया का आशिक बना देंगे और आखिरत से गाफिल कर देंगे। ये जनाब ईसा के दो कॉल